क्या क्रिश पिक्चर में काम किया था क्या? हमारे गोलगप्पे का एहसान उतार रहे। क्या बोली क्या बोली क्या बोली तू क्या बोली? आंटी देख रही वीडियो समझ में आया पनीर कहाँ गायब होते हैं? अभी तो तूने भी यही बोला आधा घंटा तार दौड़ी कहेगा। हेलो गाइस सो वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। और आज की वीडियो चालू रात को हो रही है ना कि सुबह। अब आप पूछोगे भाई रात को क्यों चालू कर रहे हैं, तो रात को गाइस मतलब कि वैसे तो हम कभी बंद करते ही नहीं व्लॉगिंग, व्लॉगिंग हमारी कंटिन्यू चलती रहती है, मतलब कि सुबह से लेके बस चलती रहती है, कभी हमारा कैमरा रुकता नहीं है। तो अभी तो क्या है कि अभी मेरी एक मीटिंग है और अभी क्या है कि रात के 9 बज रहे हैं और मैं कृष्णा को लेने स्टेशन जाने वाला हूँ, ठीक है ना। वो गरीब आदमी बोलता है कॉफ़ी वॉफी पिला दे, मैंने कहा चल पिला देता हूँ। वो क्या दिल्ली से आ रहा है, नौकरी धंधे वाला आदमी है, दिल्ली में काम करता है। मैंने चलो ठीक है भाई देखो कॉफ़ी पिला देंगे और बोल, तो चलो उससे भी मिलवाता हूँ। और अभी क्या कर रहे हैं ये सब ये भी दिखाता हूँ। क्या बोली तू क्या बोली? फ्रेशियस है साड़ी पहनेगी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कम बोला कर, 2 बजे से तो स्टार्ट होगा ना। हाँ। तो आपको जाना तो 1 बजे तक पहुँचना होगा। पागल है क्या? मैं तो चीफ गेस्ट हूँ। अच्छा इधर मुस्कुराएंगे जरा इधर देख के। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया। हाल फिलहाल तो ये दोनों हो चुके हैं पागल पूरे के पूरे। तो पागल नहीं देखो, तेरे को हकलाने की दिक्कत है कि हर बार दो बार बोलता है। तो एक नंबर थी वो, एक नंबर पागल हो चुके पागल। क्या बात बताऊं, वो क्या बात थी गाइस, इतना मजा आ गया, मतलब बिल्कुल ही मजा आ गया। मैं तो कैसे बताऊं, मतलब मजा ही आ गया। मैं इसकी एडिटिंग करते करते इरिटेट हो जाती, मैं फोन पटक देती। मैंने कहा मुझसे तू एडिटिंग करती है? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। यार तू ही तो एडिटिंग करती है, तू ही एडिटिंग करती है। सही पकड़े हैं तू ही। तो गाइज मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, जो भी आप वीडियो देखते हो सबकी एडिटिंग पूरी की पूरी 200 वीडियो जो अभी तक डली है उसकी एडिटिंग केवल इस लड़की ने करी है। मेरे को इस बार रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का। 14 Pro आ चुका है, जल्दी से जल्दी जाके 14 Pro लीजिए आप। और जिनको भी लेना हो वो श्री मोबाइल स्टोर से जाके गणपति प्लाजा से अंकुश जी से लीजिए, बेस्ट प्राइस देंगे वो। गाइस आईफोन 14 प्रो इतना महंगा है कि किडनी बेचनी पड़ेगी दोनों, इसलिए मत लेना फालतू। अरे भाई खाने की क्या तैयारी है, मतलब कि खाने में पनीर बन रहा। क्या पनीर बन रहा? भाई मैं तो रोटी खाऊंगा। सो गाइस पनीर की सब्जी वो भी गर्मा गर्म रोटी के साथ। यहाँ आ चुकी है पनीर की सब्जी, ये थोड़ा सा केचप है चिल्ली वाला और ये चपाती है। वैसे मेरा खाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, पता है क्यों नहीं था? मेरे को बोलते हैं बैगन की सब्जी बनी। अब बैगन की सब्जी कौन खाता है भाई, कोई नहीं खा सकता बैगन की सब्जी, मैं तो नहीं खा सकता। मैंने कहा कृष्णा भाई अपन बाहर खा पी के आएंगे आराम से। मैं अभी रसोई में गया, मैंने कहा पनीर की सब्जी। मैंने कहा भाई कृष्णा, तो भाई कृष्णा तू अगर ये वीडियो देख रहा है तो भाई तो तेरे में से और पनीर में से किसी को सिलेक्ट करना है तो वो पनीर है भाई, ठीक है ना। मैं तो खा रहा हूँ। पार्टी बदल लिया साला। भाई आज तो सोने पे सुहागा, रसगुल्ला भी। एक बैगन की सब्जी कैंसिल करने पे पनीर और रसगुल्ला साथ साथ मिलता है। भाई साहब ऐसे रसगुल्ले नहीं खाए, मतलब बाजार के नहीं है घर के बने हुए रसगुल्ले हैं, एक नंबर रसगुल्ले, मतलब कि बाजार के सारे फेल। जहां मैं कहता हूँ रसगुल्ले यहाँ पे बेस्ट मिलते हैं ना वहां पे भी फेल। क्या रसगुल्ले बने मोनिका ने बनाए, जल्दी से मोनिका की प्रोफाइल पे जाओ इंस्टाग्राम वाली पे और या कमेंट कर दो कि रसगुल्ले बहुत शानदार थे, हमें भी बनाना सिखाओ। जिस जिसको पूछना है मोनिका से पूछो कि रसगुल्ले बनते कैसे, वो बताएगी आपको क्योंकि ये उन्हीं ने बनाए हैं। मतलब काट के दिखाता हूँ आपको, और इतने स्पंज ये तो यार। लेकिन एक बात बताऊँ, नहीं मेरे को बैंगन की सब्जी बता दी कि बैंगन की सब्जी बनेगी मेरे को भी, और बना दी पनीर की सब्जी रसगुल्ले के साथ, वो भी मोनिका के हाथ के बने हुए। अबे भाई एक नंबर मजा आ गया यार। लेकिन मोनिका आपने यार रसगुल्ले बहुत शानदार बनाए, कैसे बनाए मतलब कि हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। बाप रे बाप, एल पे लीवर का पूरा डब्बा गायब करने आ गई। कहनी पड़ेगी, दांत देनी पड़ेगी नितिका, दांत खराब हो जाएंगे। निकाल दो मेरे को दे दे, और मैं जैसे निकाल दूंगी नितिका। और मैंने खाए हुए ये भाभी, मैं बचपन से खाती आ रही हूँ ये वाले, खाओ आप मेरे हाथ की। मेरे हाथ की बचपन से क्या होगी बनी, तो फिर आप फिर पहली बार खाओ।
ग्रेवी तो लेती नहीं, सीधा पनीर पर टेकनी थी का। अब समझ में आया पनीर कहाँ गायब होते हैं, मैं लास्ट में खाता हूँ। तो सिर्फ इतनी सी सब्जी केवल इसने वीडियो चालू है ना इसलिए लिए, नहीं तो सब्जी बताऊं कितनी लेती है। ये भी फुल, ये भी फुल और ये भी फुल। इस फाइनली हमारी मीटिंग चालू हो चुकी है और मैं मीटिंग के अंदर आप सभी को इन्वॉल्व नहीं कर सकता क्योंकि मीटिंग बड़ी खास है, तो मैं आपको बस झलकियां दिखा दूंगा और किस चीज की मीटिंग है ये भी नहीं बता सकता। वो बता दूंगा यार, इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे तो बता दूंगा। कृष्णा का फोन आ रहा है भाई, मैं स्टेशन पहुंच रहा हूँ। मैं उसको क्या बोलूँ भाई, मीटिंग छोड़ के आऊँ? अभी देखो कैसे मीटिंग चल रही है। अब उसको ये थोड़ी ना बोल सकता हूँ कि मीटिंग छोड़ के आऊँ क्या। मैंने उसको बोला भाई मीटिंग चल रही है, मैं तेरे को ये वाला नंबर दे रहा हूँ, इस वाले ही नंबर पे कॉल करना, मतलब जिससे मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ इसी फोन से वो कर रहा हूँ। बोले चल ठीक है, तो अब मैं उसको लेने जा रहा हूँ मीटिंग के अंदर, होते होते उसको लेने जाऊँगा गाड़ी चलाऊंगा। देखना मैं निकल चुका हूँ कृष्णा को लेने, और ऐसा नहीं है मैं मीटिंग छोड़ दी। तो जो वीडियो देख रहे हैं मेरे मीटिंग के मेंबर्स, तो मैंने ऐसा नहीं किया भाई, मीटिंग आपकी चल रही है, मतलब मीटिंग चल रही है, मोबाइल के अंदर मैं सुन रहा हूँ और ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि उसे लेने जाना है। देख ले भाई कृष्णा तेरे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है मेरे को। तो फाइनली मैं स्टेशन पहुंचा और मीटिंग हमारी यहीं पे ख़त्म हो गई। चलो बढ़िया है, नहीं तो इस यारा को कैसे समझाता कि भाई मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मीटिंग ले रहा हूँ। अब इंतज़ार है उसका कि फटाफट आ जाए क्योंकि मीटिंग मेरी ख़त्म हो गई। तो गाइज़ जो मीटिंग के अंदर मेरे साथ था और ये वीडियो वो देख रहा है, तो मुझे कोई इमरजेंसी काम आ गया था क्योंकि मेरे दोस्त का फ़ोन आ गया था कि उसको अर्जेंटली मुझे स्टेशन लेने जाना था, तो मैं स्टेशन आ गया। लेकिन मैंने मीटिंग मिस नहीं करी, मीटिंग मैंने लास्ट तक सुनी है। वो तो मीटिंग ही ऑटोमेटिक एंड हो गई, वो बात अलग है, लेकिन मैंने कट नहीं किया। तो चलो भाई भूख लग रही है, कहाँ रह गया? कहाँ है तू? और ये भाई आ चुका है, भाई भाई भाई, एक नंबर भाई। जल्दी चल भाई। अब तो तू बैठेगा, जब तो चलूंगा। अबे गेट तो बंद कर कृष्णा यार, अच्छी तरह स्टारबक्स की कॉफी पिलाएगा भाई आज। हैं? तुम्हारे गोलगप्पे का एहसान उतार रहे हैं। एहसान ही है भाई। गोलगप्पे देखो 100-200 रुपए के भी नहीं खाता आदमी और उसका पेट फूल जाता है। अब स्टारबक्स की कॉफी तो देखो नेचुरल है, 700-800 रुपए। ये ऐसे तुम मेरे पे फोकस कर रहे हो भाई, मैं कोई स्टार थोड़ी हूँ कहीं का। थैंक यू भैया। RISHAB ये क्रिश, तूने क्या क्रिश पिक्चर में काम किया था क्या? हैं, सच बोल। ट्रेन से उतरने के बाद घर वालों को फोन आ रहा है, खाना खाने आ जाओ। ये भाई इसको स्टारबक्स आए बेटा, आंटी देख रही है वीडियो, स्पेशल भेजूंगा। आंटी देख लो, अभी आपको क्या बोल रहा था फ़ोन पे कि आता हूँ खा लूँगा, आधे घंटे में आ रहा हूँ, पापा को बोला था। और यहाँ देखो स्टारबक्स में बैठे हैं भाई साहब। तो मतलब ये नहीं कटेगा आंटी, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा भाई। एक नंबर बोलनी पड़ेगी, पैसे लगते हैं। नहीं लगते क्या? नहीं बोलेंगे क्या? इतने पैसे देने के बाद भी नहीं बोलेंगे एक नंबर? अरे एक नंबर है भाई, अभी चूल्हे गए तेरे को, यहाँ से उठता है फिर यहाँ बैठ जाता है फिर यहाँ आ जाता है। अभी मैं क्या बोला, अभी गजब आदमी तू। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। इधर बैठ, अब तू इधर बैठ। नहीं बैठ, हेलो लगेगा यार, अभी आधा घंटा तो लगेगा यार, ठीक है ना? और ब्लॉग में पता चल जाएगा। और टेंशन नहीं, मतलब 11 बजे। थैंक यू सर। कृष्णा ले आइसक्रीम खाए अपन, हैं? ये स्टारबक्स, ये नेचुरल, और बोल रहा हूँ आइसक्रीम और खा लेते हैं, मजा आ जाएगा।
इसको चिंता पता है कहीं की हो रही है? मम्मी पापा को जो बोला है ना इसने, आ रहा हूँ अभी। सुन भाभी को, तूने भी यही बोला आधा घंटा। चलो भाई घर की तरफ चलते हैं, घर वालों ने बड़े फोन करे इसके, घर वालों ने भी, मेरे भी घर वालों ने। लोग बाग बड़े बड़े लोग फ्लाइट से उतर के वहीं पे उनके लिए स्टारबक्स बना दिया कि पियो बेटा। भाई मेरे को मिला नहीं कहीं स्टेशन, स्टेशन पे नहीं बना हुआ भाई साहब, खुद आ गए। घर वालों के फोन चाहे कितने आए, अभी आया, अभी आया। हाल फिलहाल नई वेन्यू गाड़ी खरीदी है इन्होंने। तो गाइस डिस्क्रिप्शन पे इसका इंस्टाग्राम का लिंक है, कृष्णा शर्मा नाम है, मैसेज करो कॉन्ग्रेचुलेशन, पक्की बात है भाई। अरे फाइनली कृष्णा को तो मैंने घर पे उतार दिया और हम दोनों का घर जस्ट पास में है। अब आप सोचोगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को मोनिका और नितिका ने बोला था आते टाइम हमारे लिए आइसक्रीम लेके आना और मैं उनके लिए आइसक्रीम लाना भूल गया। अभी मैं ऊपर चला जाता ना तो जितने रुपए की कॉफी पिए ना उससे ज्यादा तो मेरे को भुगतान करने पड़ जाते। फाइनली घर पे आ गए। अब बेचारे घर वालों को तो मैं बताऊंगा भी नहीं मैं अभी कहाँ जाके आया हूँ, बेचारे व्लॉग देखेंगे ना तब पता चलेगा कि मैं कहाँ जाके आया हूँ। दिस इज फॉर यू, प्लीज टेक। एंड एक काम और, एक काम और, एक घंटा लगता है इस हैं? एक घंटा लगता है? नहीं यार ये चाबी, अभी मैं गेट खोलने नहीं आती तो कोई बात नहीं, मैं गेट तोड़ के अंदर आ जाता। थैंक यू, ये गिफ्ट मुझे नहीं देता नहीं। फालतू में बस व्लॉग बना लेता है तेरे से बात करूं। अरे तो गेट तो कर, पागलबंदी कर रही। अरे आइसक्रीम नहीं खा रही क्या तू? अरे कहाँ था? हाँ। वो तो ये ब्लॉग आए जब देख लेना। चलो गाइस अब रात के कितने बज रहे हैं, टाइम आप ऊपर देख लो, मतलब रात के 11 बज चुके हैं। अब मैं जल्दी से सो जाता हूँ क्योंकि अब सुबह मेरे को 4 बजे उठ के ब्लॉग एडिट करना है और भी पता नहीं बहुत कुछ करना है। सुबह 4 बजे उठने का टाइम है मेरे पास, सुबह घुमाने का टाइम भी सुबह 4 बजे। सॉरी, चलेंगे चलेंगे होम में चलेंगे, कैमरा इनके साइड में कर नहीं सकता, इन्होंने मना कर रखा है इसलिए मैं कैमरा नहीं कर रहा। तो मिलते हैं सोने के बाद।